मेरी और बाकियों की कहानी में ज़्यादा अंतर नहीं है सर, बस लोग हदें पार कर देते हैं और मैंने अपनी मोहब्बत के लिए सरहदें पार कर दी। मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ मेरा तरीका सही नहीं था, लेकिन मेरे इरादे भी गलत नहीं थे सर। और आपसे बेटर कौन समझ सकता है, आपकी भी तो लव मैरिज है ना सर। सर, सर थोड़ा पानी मिलेगा सर, मैंने पिछले 3 दिनों से पानी नहीं पिया है सर। सर हम ना एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं सर, हमने साथ में बहुत सारे मोमेंट्स बनाए सर। कैंपस बंक करना, थिएटर में एक ही पॉपकॉर्न शेयर करना और वीकेंड्स पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना सर। इनफैक्ट हमने तो इंटर्नशिप भी एक ही कंपनी से की थी सर, बट उसके बाद कंपनी ने उसका प्रमोशन यहाँ कर दिया और मैं वहीं रह गया सर। सर आपको पता है, जिस दिन वो गई थी ना सर, उस दिन मैं बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया सर। लेकिन सर मैंने खुद को संभाल लिया था ये कह के कि सिर्फ 3 महीने की तो बात है, उसके बाद तो आ ही जाएगी। लेकिन सर आपको पता है, जिस दिन मैंने उसके इंस्टाग्राम पे उसके रिंग सेरेमनी के पोस्ट्स देखे ना सर, मैं टूट गया था सर, मैं बिखर गया था। मानो मेरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने से खत्म हो रही थी सर। मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया था सर, किया था, लेकिन लेकिन आज उसकी शादी है सर, आज उसकी शादी है। और उसे तो पता भी नहीं सर कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, कभी कभी बता नहीं पाया ना सर। और मैं अपने जीतो जी उसे किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ सर, इसलिए मैं चला आया यहाँ न्यूयॉर्क बिना वीजा के। सर मुझे पता है मेरी गलती है और आप ना मुझे चोर सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन सर बस आज मुझे जाने दीजिए सर। मैं उसे कन्फेस करके, आई प्रॉमिस सर, आई प्रॉमिस, मैं उससे कन्फेस करके ना वापस यहाँ आ जाऊँगा सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता सर। आई कांट लेट हर गो सर, प्लीज सर, प्लीज।